मैं चली जाऊंगी। मंदिर के अंदर क्यों नहीं आए? तुमसे पूछ रही हूं। अरे क्या हो गया? क्या पंडित जी, दिन भर आ आ करते रहते हो, मुझे कब संगीत सिखाओगे? बेकार की बातें मत करो, सुर चढ़ा रहा हूँ सुर। ओके ओके ओके। अब पंडित जी, मुझे बड़े सिंगर की तरह गाना नहीं गाना, मुझे तो बस ऐसा ही कोई गाना सिखा दीजिए ताकि मैं किसी को गा के सुना सकूं। बॉस यहाँ बैठकर गाना सीख रहे हैं क्या? अबे अगर ये आदमी गाना सीख गया ना तो हमारा खेल खत्म, हम कैसे मालिक बनेंगे? मुझे डीपली नहीं सीखना है, बस ऐसे ही कुछ सिखा दो ना। इसे कुछ सीखने नहीं, कॉपी सिखा दो तो मैं। बॉस को प्रॉब्लम है, वो कॉपी पसंद नहीं करते। ओहो बेचारा। तो मीन सुरवती, योर वेजिटेरियन? नो नॉन वेज। तो कर कर राग सिखा दूं क्या? इतने अच्छे गले को खराब करोगे क्या? ये तो बढ़िया ज्ञानी लोग हैं आप। संदीप प्रिया, सन्मुख प्रिया एंड प्रिया तो नहीं, परफॉर्मेंस होने के बाद अनुप्रिया भी। हाँ
जाने दो, व्हाट अबाउट कल्याण? नो कल्याणी, ओनली संगीता। ठीक कहा इसने। हाँ पंडित जी, अभी कल्याणी की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ संगीता संगीता चाहिए। हाँ। तो इनका क्या करें? मैं शाहरुख खान और ये सलमान खान। ये पॉपकॉर्न? अरे ए, तुम लोग चुप रहो। पंडित जी, ये लोग मेरे बहुत खास हैं, ये नहीं तो मैं नहीं। हम लोग ऐसे ही हैं। चलो सुर लगाते हैं। पहले राग शुरू करेंगे। तोड़ी थोड़ा क्या शुरू से लड़कियों का नाम लेते हो? कल्याणी, प्रिया, तोड़ी, तोड़ा, वहाँ से शुरू करो। तोड़ी एक राग होता है। पोड़ी पोड़ा, तोड़ी तोड़ा, तो तोड़ा क्यों नहीं होगा? वहाँ से शुरू करो। ना तुम्हें पसंद है और ना मुझे। चलो पहले राग से शुरू करें। सा रे, गाओ ना। बॉस, ये तो डांट रहा है आपको और सॉरी बोलने के लिए कह रहा है। क्यों पंडित जी, मैंने क्या गलती की जो मैं आपसे सॉरी कहूँ? अरे ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। हम दूसरा सुर लगाते हैं, ठीक है? सा पा सा, सा पा सा। कैसा आदमी है, तुम्हें सा लगाना भी नहीं आता? ए, तूने मुझे साला बोला क्या? अरे पीछे रहो, बॉस को कहा है, तुम्हें नहीं। सुनो दोबारा कहो। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं गा पा रहा है। नहीं गा रहा है, ऐसे भी नहीं चाहिए। बॉस, आप ऐसे बेकार आदमी से गाना मत सीखो बॉस। आपको सच्चा संगीत सीखना है ना बॉस? तो एक ही आदमी है। हाँ, कौन है, कौन है? देवकी, देवकी डार्लिंग। क्या हुआ डार्लिंग, नाराज हो क्या? आप तो चुप ही रहिए। मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं गया इसीलिए गुस्सा हो। कोई और प्रॉब्लम है क्या? आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? वो पागल है क्या? ऐसी हरकतें क्यों करता है? मंदिर में भी अजीब बर्ताव कर रहा था वो। सुनिए, मैंने सिर्फ टीका लगाया, इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, हो सकता है उसके गुस्से की कोई और वजह हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मदन जब 9 साल का था, जानती हो, वो सिर्फ वायलिन प्लेयर नहीं, उसे भाषण देना, गाना गाना, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट है। He is a great singer। उसकी आवाज सीधे दिल को छू जाती थी। तब से संगीत से हमेशा खुश रहने वाला, पता नहीं उसकी किसकी नजर लग गई। भगवान के भजन गाता था वो, लेकिन भगवान ने भी उस पर रहम नहीं किया। पकड़ो पकड़ो, इस तरफ इस तरफ, पीछे पीछे, ये पकड़ लिया पकड़ लिया। हमेशा पकड़ लेती हो तुम, हर बार। देखिए तो ठीक से लगा है ना? हाँ ठीक से ठीक से। टाइट बांधा? चलो रेडी, पकड़ो, इस तरफ इस तरफ, यहाँ पर हूँ, इस तरफ इस तरफ, नहीं थोड़ा और आगे, यहाँ पापा, इस तरफ, इस तरफ मदर, इस तरफ मदर, पापा। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ बाप की मौत होने के कारण वो गूंगा हो गया। उसके माँ बाप हमेशा कहते थे, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, लेकिन उसके माँ बाप को भगवान नहीं बचा सके, इसी बात का गुस्सा है उसे, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। सॉरी जी, मुझे लगा कि वो अकड़ दिखा रहा है इसीलिए गुस्सा हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो दुखी है। सुरेंद्र, बेटी देवकी, देवकी क्या हुआ दादी, क्या बात है? मदन दिखाई नहीं दे रहा तो बेचैनी हो रही है।
वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, यहीं कहीं आसपास होगा दादी। वो बात नहीं है बेटा, मुझसे जितना हो सका मैंने ढूंढा, लेकिन वो मुझे बताए बिना कभी भी कहीं नहीं जाता है। सुनिए, आप जाकर उसे ढूंढिए ना। ठीक है, मैं देखता हूँ जाके, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ।